सबों को जय यीशु, यीशु के लव की जय और प्रेज द लॉर्ड। आज इस सुंदर दिन में हम आकर कुछ गवाही को लेकर आपके बीच आए हैं। आज विशेष दिन गवाही का दिन है और ये बहन हमारे बीच उपस्थित है जो कुछ गवाही को लेकर हमें बताना चाहती है कि किस प्रकार वो अपने जीवन में प्रभु यीशु को लेकर आई और किस प्रकार वो विश्वास करना सीखी, किस प्रकार वो हर एक परिस्थिति से गुजरी जिस परिस्थिति से वो निकल नहीं पा रही थी, लेकिन उस परिस्थिति से निकलकर आज वो हमारे बीच है। और इन्होंने आग्रह किया था कि वो और बहुत चाहती थी कि वो गवाही लोगों तक पहुंचे और जाने, जिससे इनके साथ साथ औरों का भी विश्वास परिपक्व हो सके। तो आइए हम आज इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्या विश्वास पाया है। आपको जय यीशु। जय यीशु। मैं शीला, मैं आप लोग के सामने प्रभु के द्वारा उपस्थित हो पाई हूँ। मैं पहला स्थान ईश्वर को देती हूँ, उसको धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस योग्य समझी गई। मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म ली, प्रार्थना मैं शुरू से ही करती थी, लेकिन मैं नहीं जान सकती थी कि किस तरह प्रभु के लहू में विश्वास करने से सब कुछ मिलता है। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगी, जो मुझ में जो घटनाएं घटी, मैं जिस तकलीफ से गुजरी, जिस समस्या से गुजरी, मैं उन्हें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि उसके द्वारा मैं काफी तकलीफ में थी। कुछ साल पहले जब मैं बहुत बीमार थी, शुरुआत में मुझे सर्दी खांसी ऐसे हुआ, फिर धीरे धीरे वो बड़ी बीमारी का रूप ले लिया। जब मैं डॉक्टर के पास गई, चेकअप कराई, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टाइफाइड हुआ है। फिर टाइफाइड के साथ साथ मुझे टीबी की बीमारी भी मतलब मेरे मुझ में मिला। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना लेट से आई हो, बहुत लेट कर दी हो। तुम मौत के मुंह में जा रही हो। मैं डर गई कि मैं इतना कैसे अपने को मैं बचा पाऊं। टीबी जो पहले बहुत ही भयानक बीमारी के नाम से ही जाना जाता है, अछूत, जो किसी के छूने से भी पार हो जाता था या किसी के साथ बात करने से भी, हवा के द्वारा भी पार होता था। इसलिए मैं डरती थी कि मैं लोगों से कैसे बातचीत करूंगी, कैसे उनसे उठूंगी बैठूंगी। फिर इस तरह से मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी। और जब मैं दवाई लेकर के आई और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 महीना तक खाना है, मैं 1 महीना तक तो खाई, मुझे फिर भी कमजोरी सा महसूस होने लगा। मैं अपने में बल नहीं पा रही थी और मुझे भूख तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। अब लग रहा था कि मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी, शायद मैं मर जाऊंगी। और डरती भी थी कि मरने से, कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी ऐसे। लेकिन मैं प्रार्थना निरंतर करती थी, फिर मुझ में प्रार्थना करते हुए मुझे वह विश्वास मिला, बहुत रेशु का लहू का, जिस पर मैं विश्वास की कि यीशु का लहू जो हमें स्वस्थ कर सकता है, हमें सामर्थ्य दे सकता है, हमें चंगा कर सकता है। तो मैं उसी लहू का प्रयोग करने लगी
जो भी दवाई थी उस पर ईश्वर की आशीष मांगी और यीशु के लहू से मैं उन्हें शुद्ध करके उसका सेवन करती थी। और मैं इतना खांसती थी कि मेरा खांसी बंद ही नहीं हो पाता था। मैं ठंडा पानी कभी प्रयोग नहीं करती थी, ना नहाने के लिए, ना पीने खाने के लिए, कुछ के लिए भी नहीं। जहां मैं ठंडा पानी छूती थी जैसे मानो खांसी का लहर दौड़ गया और कभी छूटने वाला नहीं, उस तरह से। मैं वही सोचती थी, कब तक मैं इस तरह से रोगी की तरह रहूंगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही। फिर मुझे अपने जीवन में एक ऐसा उजियाला जागा कि प्रभु यीशु का लहू जो हमें उधार दिलाया, हमें पाप से मुक्त किया, तो जो हमारी बीमारी है वो भी तो एक पाप का ही कारण है। तो वो उसे, उस बीमारी को उस लहू से वो उसे मिटा देंगे, ऐसा मुझ में विश्वास आया और मैं भली चंगी हो जाऊंगी, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर उसके बाद जैसे मैं हर वक्त मैं उसका लहू का प्रयोग करने लगी, अपने जीवन में मुझे बहुत बदलाव मिला। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने दो महीना भी नहीं, उससे कम 1.5 महीना के लगभग ही मैंने दवा खाया ईश्वर से आशीष मांग करके। फिर उसके बाद मैं चेकअप कराने गई, फिर भी मेरा लहू, मेरा खून बढ़ा नहीं, बहुत कम था। तो मैं चेकअप कराने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाती थी, फिर वो बोलती थी कि तुम्हारा ब्लड बहुत कम है, तुम अच्छा से खाओ पियो। लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगती थी कि मैं कैसे अपने को मैं स्वस्थ करूं, कैसे मैं अपने अंदर जो खून की कमी है उसको पूरा करूं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और यीशु के लहू के प्रयोग से मेरे जीवन में उसने मुझे इतना स्वस्थ कर दिया। अब मेरे अंदर जो खून की कमी थी उसे भर दिया। और अचानक सा 3 ग्राम बढ़ गया। तो मैं सोचने लगी कि मैं तो दवाई छोड़ दी थी, सिर्फ 1.5 या 2 महीना तक ही यूज की, फिर उसके बाद, लेकिन रूटीन के अनुसार मैं चेकअप कराने जाती थी। जैसे मैं वहां पर गई, 3-4 महीना हो चुका था, उसके बाद 6ठा महीना जैसा था उस वक्त मैं गई और जैसे चेकअप कराई तो डॉक्टर बोली कि आप में तो बहुत काफ़ी सुधार आ गया है। तो मैं सोचने लगी कि जब मैं दवा यूज कर रही थी तो फिर भी मुझे कमजोरी लग रहा था, जब प्रभु यीशु का लहू का प्रयोग किया अपने जीवन में, खाने पीने से लेकर हर एक चीज में उसका प्रयोग किया और उससे मुझे नया जीवन मिला, जिससे मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, भली चंगी हूँ। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती थी और जो बाइबल वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह ग्रंथ में अध्याय 17 पद संख्या 14 में, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करती हूँ। इस वचन से मुझे इतना ढाढ़स मिला और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और उसके बाद से मैं अब तक भली चंगी हूँ। और मेरी शादी भी हो गई और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ बहुत ही आनंद के साथ। और अभी तो मुझे करीब 10-12 साल हो गया उस बीमारी से छुटकारा पाए हुए और मैं आज तक वो बीमारी मुझे दोबारा छू ही नहीं पाया है। वो अछूत बीमारी जिससे मैं डरती थी और आज मुझे उस बीमारी से छुटकारा मिला। मैं स्वर्गीय परिवार को, पौत्र पिता को धन्यवाद देती हूँ, उसकी स्तुति महिमा करती हूँ जिसने मुझे नया जीवन दिया। और इसी तरह मैं और भी बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई बहन जो बीमार से पीड़ित है वो दुखी ना हो, मन को छोटा मत करो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, उस
अब उसका लहू का प्रयोग करो जो हमारे लिए खजाने की तरह है। उसका लहू आप हर एक चीज में, खाने पीने से लेके हर एक चीज में आप उसका प्रयोग कीजिए। उससे सुरक्षा मांगिए ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका शरीर आत्मा दोनों, जिस तरह मेरा शरीर आत्मा दोनों सुरक्षित है यीशु के लहू में। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है यह साक्षी देने के लिए कि मैं यह जीवित साक्षी मैं आप लोगों के समक्ष रख सकूं, आपको बता सकूं, ताकि आपके जीवन भी इसी तरह बदल जाए और आप भी आनंदित और खुशी से जीवन जिए। कभी भी आप अपने को अकेला मत समझिए, हमेशा प्रभु हमारे साथ रहता है। और प्रभु हमेशा बाइबल वचन में हर वक्त यही कहते हैं, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह प्रभु हमें हमेशा हमें अपने साथ होने का बतलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह मुझे मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव मिला। मैं बहुत ही आनंद और खुशी के साथ हूँ। और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आई, मैं अभी तो सिर्फ एक ही बताई, इतना सारा घटनाएं हैं कि मैं बताऊंगी तो शायद सुबह से शाम, शाम से रात हो जाए। बहुत है मेरे जीवन में उतराव चढ़ाव आते गए, समस्या आते गई, लेकिन उसका हल प्रभु यीशु ने किया, सब कुछ को किया। और इस तरह से मैं अपने जीवन को बहुत ही सफल मानती हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया और मुझे आनंद और खुशी दी। ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति महिमा करते हैं, जिसके द्वारा मैं बहुत ही चंगी हूँ, उपस्थित हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो पिता पुत्र को, पुत्र आत्मा को और माता मरियम को भी हम सारे हृदय से धन्यवाद दे कि उनके द्वारा आज ये बहन पूरी तरह से सुस्वस्थ है और हमारे बीच उपस्थित होकर इतनी बड़ी गवाही को दिया है। तो आज जिस प्रकार इन्होंने एक वचन दिया कि मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होंगी, मुझे मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करती हूँ, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो इसी प्रकार बीमारी से अभी तड़प रहे होंगे या ग्रसित है, जिनका होप खत्म हो चुका है और जो चाहते हैं कि उनकी उम्मीद या उनका होप कोई लेकर उनके पास आए, तो मैं एक वचन को, इसी वचन को लेकर मैं चाहूंगी कि जो अभी देख रहे होंगे या जो बीमारी में अभी तड़प रहे होंगे, वो वचन को जरूर मुंह खोल कर बोलना बोलिए, क्योंकि वचन ही है जो हमें हिम्मत देती है, सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है। तो हम मिलकर बोले कि प्रभु, हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर, हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होंगी, हे प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। आज हम मुंह खोल कर इसे बोलते रहे, बोलते रहे, प्रत्येक दिन बोलते रहे कि मुझे स्वस्थ कर, मुझे स्वस्थ कर, मुझे स्वस्थ कर। क्यों नहीं प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आज जिस प्रकार इस बहन की को उन्होंने पूरी तरह से स्वस्थ प्रदान किया है, उसी प्रकार आप लोगों को भी वो जरूर स्वस्थ प्रदान करेंगे। और आज हम मिलकर इस बहन के साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो आज होप रख रहे हैं, जो आज उम्मीद रखते हैं कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। तो आज विशेष प्रार्थना उनके लिए हम चढ़ाते हैं। हे प्रभु यीशु, आज विशेष कर इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए आपसे विशेष प्रार्थना करती हूँ कि इस जगह पर जिस प्रकार आपने इस बहन को उस बीमारी से छुटकारा प्रदान किया है, आज वो दिन उनको भी प्रदान कर जो आज बीमारी से ग्रसित हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनकी बीमारी इतनी हद है कि कोई भी होप उसे नहीं है, वो पूरी तरह से तड़प रहा है, तकलीफ में है और वो बेसहारा महसूस कर रहा है। प्रभु यीशु आप बेसहारों को भी सहारा प्रदान करते हैं, जिनकी चिंताएं हैं उनकी चिंताओं को दूर करते हैं, जिनकी तकलीफ है उनकी तकलीफों को आप दूर करते हैं। प्रभु यीशु आप ही हैं डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य,
क्योंकि आप ही हैं जो हम सबों को स्वस्थ प्रदान करते हैं, हमारी आत्मा को भी चंगाई प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को भी आप स्वस्थ प्रदान करते हैं। तो प्रभु यीशु जो इस समय तकलीफ में है, उनकी तकलीफ को दूर कर, उन्हें स्वस्थ प्रदान कर कि वो पूरी तरह से आज स्वस्थ हो जाए। आज उनके लिए विशेष कर प्रार्थना करते हैं जो बहुत ही तकलीफ में आज जूझ रहे हैं, उनकी तकलीफों को दूर कर, उन्हें इसी तरह स्वस्थ प्रदान कर, उनके जीवन में भी वो गवाही प्रदान कर, जिससे वो भी आपको, आप पर विश्वास कर और आप पर उतना अधिक डिपेंडेंट होना सीखे और समझ सके कि कोई है जो हमारे बीच रहकर हमें सुस्वस्थ प्रदान करेंगे। तो आज उन सबों को चंगाई प्रदान कर प्रभु यीशु, और उनके जीवन में आप कार्य कर, उनके जीवन में आप एक गवाही बनकर आइए और उनके जीवन को पूरी खुशियों से, आनंद से भर दे। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आज विशेषकर आज इस पल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ज्यादा तो हम आगे नहीं इस प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, आज विशेष हमारा प्रोग्राम गवाही का था, तो आज गवाही के साथ हम अंत करते हैं और पूरे स्वर्गीय परिवार को धन्यवाद देते हैं। तो बहन का रिक्वेस्ट था कि वो चाहती थी कि स्वर्गीय परिवार की भी स्तुति हम सब मिलकर करें, तो आइए हम मिलकर स्वर्गीय परिवार की स्तुति करें और इस छोटे से प्रोग्राम को अंत करें। हे पवित्र पिता, तुझे धन्यवाद। हे पवित्र पिता, तेरी स्तुति और महिमा हो। हे पवित्र यीशु, तुझे धन्यवाद। हे पौत्र यीशु, तेरी स्तुति और महिमा हो। हे पौत्र आत्मा, तुझे धन्यवाद। हे पौत्र आत्मा, तेरी स्तुति और महिमा हो। हे पौत्र माँ, तुझे धन्यवाद। हे पौत्र माँ, तेरी स्तुति और महिमा हो। यीशु की लहू की जय। मैं कुछ आगे और प्रोग्राम्स में मैं यीशु के लहू के बारे जरूर बताऊंगी कि कैसे हम उनका बहुमूल्य लहू का उपयोग हम कैसे करें और कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें। तो आइए इस छोटी सी प्रार्थना को हम अंत करते हैं। स्वर्गीय परिवार की महिमा हम सबों पर इसी तरह सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।